आपको उड़ीसा के राउरकेला लिए चलते हैं, जहां पर मौजूद गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बताओ ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी कहते हैं राजस्थान और कश्मीर ओडिशा वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खड़गे साहब, आप राहुल किला वालों को नहीं चाहते? राहुल किला का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे देगा, जान दे देगा। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 70 साल से जो धारा 370 नासूर बनी थी उसको हटाकर हमेशा के लिए कश्मीर को भारत का करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया है, अपने ओडिशा को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब कहना चाहता हूं कि जो चुनाव है वो ओडिशा में ओडिया भाषा, साहित्य, संस्कृति और गौरव को पुनः प्रस्तापित करने का चुनाव है। मोदी जी ने ओडिशा की गरीब आदिवासी बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम। कांग्रेस पार्टी ने अब तक कभी आदिवासी राष्ट्रपति नहीं बनाया, मोदी जी ने ओडिशा की गरीब बेटी को राष्ट्रपति बनाकर पूरे ओडिशा का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी अभी G20 सम्मेलन हुआ था, G20 सम्मेलन में नरेंद्र मोदी जी एक जगह खड़े रहकर पूरे दुनिया के नेताओं का स्वागत करते थे। इसके पीछे कौन सी तस्वीर थी मालूम है आपको? मालूम है? अरे नहीं है, मैं बताता हूं। मोदी जी ने वहां पूरे देश में से अपने सूर्य मंदिर कोणार्क की तस्वीर को लगाकर ओडिशा को गौरव दिया है। मोदी जी ने पाइका संग्राम का सम्मान किया। पाइका सम्मान में सिक्का और डाक टिकट करा। और भाइयों बहनों, मुझे बताओ ये बीजेडी सरकार ओडिशा के गौरव का दिन प्रतिदिन अपमान कर रही। मुझे बताओ ओडिशा का शासन ओडिया में चलना चाहिए या तमिल में चलना चाहिए? जोर से बोलो। भाइयों बहनों, आस्था और श्रद्धा का केंद्र पूरे देश और दुनिया में जिनके करोड़ों भक्त है जगन्नाथ के मंदिर के सभी द्वार खोले नहीं जाते। परिक्रमा के नाम पर इसको पर्यटन मंदिर में बदलने का काम किया और जगन्नाथ के मंदिर को अपमानित करने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां कहकर जाता हूं, सालों से ओडिया जनता और करोड़ों जगन्नाथ भक्त रत्न भंडार का चाबी का रहस्य पूछ रहे हैं। मुझे बताओ इसको सार्वजनिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं आज नवीन बाबी को कहने आया हूं, नवीन बाबू, रत्न भंडार की ओरिजिनल चाबियां कहां है वो ओडिशा की जनता जानना चाहती है। डुप्लीकेट चाबियां किसने बनाई? डुप्लीकेट चाबी से रत्न भंडार खोला गया या नहीं खोला गया? और जांच आयोग की रिपोर्ट को नवीन सरकार क्यों दबाकर बैठी है उसको सार्वजनिक करिए। मैं आपको कहता हूं भाइयों बहनों,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, जांच आयोग की रिपोर्ट को एक महीने के अंदर हम सार्वजनिक करने का काम करेंगे, सार्वजनिक करने का। भाइयों बहनों, ये 25 वर्ष जो है ओडिशा के विकास के लॉस्ट ईयर, ये 25 साल ने ओडिशा को 50 साल पीछे धकेल दिया है। मैं आज कहना चाहता हूं, पश्चिमी क्षेत्र के साथ ओडिशा सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है।